ये तो बेचारा मुरझा गया ना। ये होता है पूरा पूरा फार्म अपने गांव में, जैसे नोरा बोलते हैं, ये शहद बनाने का है वो है। तो स्वागत है आपका राजस्थानी अमेरिका में। आज हम जाने वाले हैं वाइस एकर ऑर्गेनिक फार्म, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये है फार्म, ऑर्गेनिक फार्म पे आए हैं, देखते हैं सनफ्लावर वगैरह, बकरियां वगैरह, और यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे होती है यूएस में, वो देखने जा रहे हैं हम आज। और सामने है सनफ्लावर का खेत, छोटा हाउस बना रखा है, वो ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। ये फैमिली है, वाइस फैमिली, और ये घर है इनका यहीं पे। और ये इन्होंने पॉली हाउस टाइप बना रखा है, और ये ट्रॉली है ट्रैक्टर की, और ये है सनफ्लावर का खेत। ये पॉली हाउस इन्होंने, जब हम एंट्री ले रहे थे तो हमारे को ये कटर भी दिया है फ्लावर पिक करने के लिए। ये उधर फेस क्यों कर रहे हैं? तो सनफ्लावर की एक पहचान भी देख ली, जिधर सनराइज हो रहा है उधर ही फेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप, उधर है इसके फेस, और ये हो रहा है इधर सनसेट। I'm gonna cut all the flowers. ये तो बेचारा मुरझा गया ना। चलो खत्म हो गया। ये बड़े मजबूत रहते हैं। ये शहद बनाने का है वो है। This is how we do bee farming. मधुमक्खियों की खेती किस तरीके से की जा रही है? और सामने की तरफ स्ट्रॉबेरी और पम्पकिन की फार्मिंग होती है। भैया अमेरिका की बकरियां देख लीजिए। ये अमेरिका की बकरी के साथ सुअर है। ये होता है पूरा पूरा फार्म अपने गांव में, जैसे नोरा बोलते हैं इसको, छोटा ट्रैक्टर है कुबोटा।
न्यूट्रल, मीडियम, हाई, तीन टाइप के घेर हैं। ये छोटे बच्चों की राइड बना रखी इन्होंने पूरे खेत को कैसे घुमाने। तो वीडियो यही तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राजस्थानी अमेरिका, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।